चैनल द सैवेज सिंह व्लॉग्स। भाई आज का सीन ना बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइप है, बिकॉज बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रखी है भाई की। मैंने दो तीन चप्पल पहनने की यही दिक्कत है। ओके, तो बाइक में आ रखी एक छोटी सी दिक्कत। तो दिक्कत ये है कि मैंने दो तीन वीडियो शूट करनी थी बाइक की एंड सर्विस भी करानी थी, बट बाइक को ना सर्विस सेंटर तक लेके जा सकते हैं ना वीडियो शूट कर सकते हैं, बिकॉज बाइक में पेट्रोल नहीं है। तो आप बोलोगे भाई पेट्रोल है नहीं है तो पेट्रोल डलवा ले, बट भाई दिक्कत नहीं, सिंपल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डाल भी नहीं पा रहे हैं, बिकॉज जो बाइक का फ्यूल टैंक है, जो फ्यूल की लिड होती है जहाँ पे खोलते हैं, वो हो गई है जाम। मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो ये जो सिस्टम है ये देखो, ये एंड मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत जान लगा रहा हूँ, बहुत जान नहीं, पूरी जान नहीं लगा रहा, बिकॉज अगर पूरी जान लगाई तो चाबी टूट जाएगी भाई, एंड आखिरी चाबी बची है बस बाइक की, तो नुकसान हो जाएगा। बट चक्कर ये है कि इसके जो बोल्ट्स हैं ना, तो इसके मैंने बोल्ट्स भी निकाल के ट्राई किया था कि ये लेड पूरी बाहर आ जाए, बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। तो मैंने किसी से बात की है, वो कह रहे हैं कि अगर हम नेल कटर जो होता है हमारा, नेल कटर को ला के उसको थोड़ा घुमाएंगे टाइटली, मतलब थोड़ा जान लगाएंगे, तो उससे थोड़ा ढीला हो जाएगा, फिर चाबी से खुल जाएगा। तो ट्राई करके देखते हैं, मेरे को नहीं पता क्या चक्कर है। तो वो वाला सीन एक बार ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज मेरे को नहीं पता खुलेगा या नहीं खुलेगा, बट अगर नहीं खुलेगा तो दिक्कत है, बिकॉज जो सर्विस सेंटर है पाचे का वो यहाँ से है कुछ 12-15 किलोमीटर दूर, एंड बाइक में तेल बहुत कम है, मतलब कहते हैं ना बहुत थोड़ा सा ट्रिप एफ पे ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स हो चुका है। तो अपाचे के ओनर जानते हो गए, ट्रिप एफ पे 35 या 40 ही चलती है, तो सर्विस सेंटर तक पहुँचने का कोई हल नहीं है। तो मुझे उसको खोल के उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, नहीं तो बाइक टो करा के सर्विस सेंटर जानी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या होता है, सांस चढ़ रही है मेरे को पता नहीं क्यों। तो ट्राई करते हैं, पहले नेल कटर से ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर उसको खोल खाल के उसको पूरा साफ करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो जगह साफ हो चुकी है, अब अपाचे का काम आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। सो पेट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका है, अब शायद से बॉटल में लाना पड़ेगा, एंड बॉटल में पेट्रोल आजकल देता नहीं है। तो देखते हैं, पहले इसका फ्यूल टैंक खोल के ड्राइव करते हैं, मेरे को लगता है खुलेगा या नहीं पता नहीं, देखते रुको एक सेकंड। सो दिस इज़ द क्या कहते हैं इसको, नेल कटर दैट आई हैव, एंड जो इसका ये वाला ब्लेड है ना, इसमें दो होते हैं, एक होता है ये वाला एंड एक होता है ये वाला, हमें ये वाला यूज़ करना है, एंड इसको फुल टाइम में फंसा के घुमाना है, दिखाता हूँ। ओके, सो पहले सिंपल सा तरीका बता दूँ, दिस इज़ द नाइफ, इसको आपको बस कुछ नहीं करना, जब आपको फ्यूल टैंक है उसके अंदर इतना सा पार्ट डालना, दिख रहा है इसको आगे का जो मेरी फिंगर आगे का पार्ट है, उतना सा पार्ट डालना, एंड थोड़ी सी जान लगा के उसको घुमाना है, ताकि वो थोड़ा सा घूमे, मतलब अपना जो रस्टेड है बीच में पार्ट एंड जो चीज़ में मतलब फंसी हुई है वो निकल जाए, उसके बाद उसको चाबी से आराम से खोल पाएंगे। तो मैं बता देता हूँ, पहले इसकी चाबी निकाल लेते हैं। सो दिस इज़ द थिंग, इसको इतना सा पार्ट अंदर डालना और बाकी घुमा देना, जितनी जान लगा सकते हो उतनी जान लगा के घुमा देना, ताकि थोड़ा सा हिले अपनी पोजिशन से। ओके, हल्का सा घूमा, मैं दिखाता हूँ। सो ये जो सीधा होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ हो गया, इसके अंदर कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा की डालो एंड इसको वापस अपनी पोजीशन में करके, की अंदर करके थोड़ा हल्का सा जान लगा के, एक सेकंड से जान लगानी पड़ेगी इसे। यस, सो खुल गया,
एट लास्ट खुल गई तरीका, मैंने कहीं देखा था, ऑनलाइन देखा था शायद से, काम कर गया, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट एक बार गंद चेक करो भाई, मतलब लुक एट दिस, ये सारा जो गंद और पानी हो रखा है ना, तो जो मैं करने वाला हूँ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा लॉक है, अगर मैं इसको नहीं साफ़ करूँगा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो मैं इसको या तो पूरा निकाल के या अभी ऐसी बिना उतारे इसको ढंग से साफ़ करने वाला हूँ, ताकि इसकी जितनी भी मिट्टी और गंद है वो हट जाए, यानी दोबारा से ऐसे ख़राब ना हो, इसको अच्छे से ऑयल करके रख दूँगा रात को, एंड फिर इसको कल लगाऊँगा आराम से, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो जो लॉक है अपनी बाइक का वो मैंने निकाल लिया है आराम से, आगे बार ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बट एक बार फ्यूल टैंक की कंडीशन दिखाते हैं। तो ऐसी कुछ हालत हो रही है इसकी, पानी वानी भी काफ़ी भरा हुआ है, काफ़ी गंदा सा हो रहा है, तो एक बार इसको साफ़ करते हैं, फिर उसको लॉक को ऊपर से ऊपर आराम से ले आके वॉश वगैरह करके ऑयलिंग करके फिर लगा देंगे आराम से बाद में। तो ये सब हो गया काफ़ी बढ़िया तरीके से, बाकी मैंने ध्यान रखा था कुछ अंदर ना आ जाए, एंड वैसे अगर चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, बाइक की सर्विस मैंने बुक करा दी है परसों की, मतलब आज एक तरीके से तीन तरीके मैंने बुक करा दी है, तो वैसे भी इसका टैंक एक बार फ्लश कराएंगे ताकि अंदर जितनी भी गंदा निकल जाए। तो ये सब हो गया, अभी चलते हैं ऊपर, जो लॉक का काम है वो ख़त्म कर लेते हैं जल्दी से। ओके, सो कुछ इस तरह मैं इसको लगा गया था ताकि इसके अंदर कुछ कचरा वचरा ना जाए, एंड अपने DSLR की बैटरी ख़त्म हो गई, लाया मैं हूँ बट DSLR की बैटरी ख़त्म हो गई, तो इसलिए फ़ोन से शूट करेंगे, तो जल्दी से इसको लगा लेते हैं एंड दिखाते हैं। वो बहुत सिंपल है यार, बस जो इसके 6 नट्स हैं उसको टाइट करना है, बस काम करना, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल डन, क्लीनड अप एंड सारी चीज़ें बड़ी तरीके से हो चुकी हैं। अब बात ये है कि भाई देखो, इस तरीके से लॉक खोला तो जा सकता है, बट एंड क्या क्या चीज़ें चाहिए बता देता हूँ। ऑब्वियसली एक स्क्रू ड्राइवर एलन की चाहिए होगी आपको, 4 नंबर की चाहिए शायद से, 4 नंबर की, एंड एक चाहिए होगा आपको नेल कटर, तो एक चाहिए होगा बस नेल कटर ताकि उसको खोल पाए, एंड दूसरी बात इसको घर पे ना ट्राई करो तो अच्छा है भाई, जाओ मैकेनिक से खुलवा लो, 50,000 रुपये ले लेगा, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था मैकेनिक वाला बिकॉज अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए मैंने इसको खुद कर लिया। बाकी तरीका मैंने बता दिया, ट्राई करना है कर लो, नहीं करना मैकेनिक के पास चल जाओ, कोई नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बढ़िया सा, गला मेरा ख़राब हो रहा है थोड़ा, बट कोई नहीं, मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो में, अनटिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।